नमस्कार दोस्तों, डेली लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है करण और आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल की सिंपल नोटिफिकेशंस को कलरफुल नोटिफिकेशन के अंदर बदल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा और एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, एज लाइटनिंग नोटिफिकेशन। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमारे को अनेबल लाइटनिंग इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। हम जैसे ही इसे अनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं एजिस पे हमारे LED ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दो मोड देखने को मिल जाते हैं। पहला मोड है गैलेक्सी मोड, इसके अंदर आपकी जो एजिस पे LED ब्लिंक होगी वो फ्लो होती हुई नज़र आएगी, और अगर आप फ्लैशिंग मोड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे LED आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। तो आप इनमें से कोई सा भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें मिक्स कलर भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कलर और फ्लैशिंग मोड सिलेक्ट करा है, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी की मदद से आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो कलरफुल LED की नोटिफिकेशन आ रही है वो आपको ब्राइट चाहिए या डिम चाहिए। अगर आप इसे 0% पर रखते हैं तो ये पूरी LED जो है वो पूरी ब्राइट रहेगी, और अगर आप इसे 50% की तरफ ले जाते हैं तो ये डिम हो जाएगी। तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा आप इसे 0% पर ही रखें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी देखने में। और उसके नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको ड्यूरेशन कितनी देर की चाहिए, कि अगर आपको नोटिफिकेशन आए तो कितनी देर तक आपकी LED ब्लिंक करे। तो मैं इसे 3 सेकंड पे सेट कर लेता हूँ। उसके नीचे आप स्पीड सेट कर सकते हैं, इसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं। तो थिकनेस आपकी स्मॉल और मीडियम के बीच में सेट है, और मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे यही सेट रहने दीजिए। अगर आप इसे मीडियम सेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटी LED नोटिफिकेशन हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे कम और अच्छी कलरफुल नोटिफिकेशन रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ऊपर हमारे को एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन का। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर देखने के लिए आपके। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिसीव नोटिफिकेशन, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन की मदद से होगा ये कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज या नोटिफिकेशन आती है तो ये ऐप उसे रीड कर लेगी और हमारे को LED ब्लिंक करके दिखाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशंस पे LED ब्लिंक होती हुई नज़र आए और पॉपअप बना हुआ आए, तो आप इसमें नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एज अ सैम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसे अनेबल करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, हेलो नाइस टू मीट यू। ऐसे ही अगर आपको कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है तो ऐसे पॉपअप बना हुआ आ जाएगा और स्क्रीन पर LED ब्लिंक होएगी। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर LED ब्लिंक हो मगर पॉपअप बना हुआ ना आए, तो आप इसमें सेकेंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो म्यूज़िक पे भी लाइटनिंग इफेक्ट को ऑन कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी गाना प्ले करेंगे तो एजिस पे यहाँ पे वैसे ही LED ब्लिंक होगी, और अगर आप चाहें तो इसे ऑफ रहने दे सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर आपको ब्लॉक नोटिफिकेशन टॉप पॉपअप करना है, मतलब आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी ब्लॉक करनी है, तो आप यहाँ से इसके ज़रिए कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे वेरियस ऐप में सेट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप में आपको कलरफुल नोटिफिकेशन चाहिए और कौन सी ऐप में आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो चलिए, मैं इसमें व्हाट्सएप पे सेट कर लिया है। मैं अपने दूसरे फ़ोन से इस पे मैसेज भेज के आपको दिखा देता हूँ जब आपको मैसेज आएगा तो किस तरीके की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, कैसे कलरफुल ब्लिंक होगी। तो चलिए, मैं अपने इस मोबाइल को लॉक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन मेरे को आएगी जब भी मेरे को कुछ भी मैसेज आएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल में ऐसे नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपके मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।